एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टरलॉजी। सो गाइस, आज का दिन थोड़ा सा ठीक ठीक गया था, बट जो भी स्टॉक्स थे वो अच्छे वर्क कर रहे थे। बट कल ट्यूसडे को आज हम लोग ने देखा था लास्ट आवर में एक मार्केट में बहुत अच्छी रैली आई थी और जो ब्रेक इवन जो फॉल्स ब्रेकडाउन कर रहे थे उसको कवर करके ऊपर गया था। बट अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करें ना तो उस पर ज्यादा डिफरेंस अभी तक देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि कॉल राइटर्स अभी तक एक्टिव है और ये जो मार्केट ने अपमूव करी थी ना फॉल के बाद, वो शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है अभी और ज्यादा एक्टिव हो सकती है अगर बाय चांस कल मार्केट 10 मिनट भी ओपनिंग के बाद ऊपर चली जाती है, तो एक बहुत बड़ी रैली हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ना आज एफआईआई का डाटा भी चेक करते हैं और देखते हैं एफआईआई क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, क्या वो इंडेक्स के अंदर बाय कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, एंड पूरे डाटा को एग्जामिन करके कल की स्ट्रैटेजी जरूर बनाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ कि हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर पाए एंड आने वाले टाइम पे अच्छा रिजल्ट दे पाए। सो लेट्स गो ऑन विद दैट एंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी चीज बढ़िया परफॉर्मेंस। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, तो मैं दो तीन चीजें एक और बताना चाहूंगा कि हम लोग ना हर दिन डेली लाइव आते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, एंड क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं अपने लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ। एंड अभी रिसेंटली मैं लाइव आया था और लाइव पे हम लोगों ने पर्टिकुलर एवेक्स व्हिच सजेस्टेड एट 91.75 आसपास और नाउ ट्रेडिंग एट 95 रुपीज, क्लोजर टू 95 रुपीज। इसके अलावा कुछ हमारी होल्डिंग्स भी है, एज यू कैन सी इट हियर, एटम टू $25, $178, $22 एंड बहुत सारे सो ऑन चल रहे थे। अभी मैंने दो ट्रेड्स और एग्जिट करे हैं, बट गाइस प्लीज डू फॉलो दैट लाइव सेशंस व्हिच आई डू ऑन अ अल्टरनेटिव डे बेसिस। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, सबसे पहले इसका जाके अकाउंट ओपन करवाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से यहाँ मिलने वाली है। और अगर आप लोग एक तारीख से पहले अकाउंट ओपन करवाते हो तो मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो भी आप लोगों को हमारी तरफ से मिलना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले ना निफ्टी और यार बैंक निफ्टी का। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करूँ ना तो ये एक रेंज बन गई है जिस रेंज के बेसिस पे मार्केट अभी वर्क कर रही है और ये हम लोगों ने कल भी डिसाइड करी थी। ठीक है, हम लोगों ने प्लान करा था कि अगर यार इसके ऊपर जाएगा देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम और हमारा टारगेट ये होगा और इसके भी ऊपर रीच कर सकता है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहे हैं 17,220 के आसपास का, अगर ये 290 के ऊपर जाता है तो एक बड़ी मोमेंटम दे सकता है। दूसरी चीज, जो कॉल राइटर्स थोड़े बहुत और एक्टिव है ना, आज देखिए मार्केट ने आखिरी में अपमूव करी, उसकी वजह से जितने भी कॉल राइटर्स नीचे थे और एक्चुअल में अच्छे खासे थे, क्योंकि मैंने भी एक सेल ट्रेड दिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और जिस तरीके से मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेड दिया था ना, जितने भी कॉल राइटर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं एंड वो लोग एग्जिट करें, कुछ एंटर है, वो कुछ एंटर इसीलिए है कि अगर कल मार्केट इसी लेवल पे ओपन होकर नीचे गिरना स्टार्ट होती है तो वो लोग और हैवी पोजिशन बना सकते हैं, तब मार्केट नीचे आ सकती है। बट अगर ये लेवल के ऊपर निकल गई तो कॉल ट्रैप्स भी हो जाएंगे, कॉल राइटर्स भी ट्रैप हो जाएंगे और डेफिनेटली मार्केट एक बड़ी मोमेंटम दे सकता है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो रिमेंबर दैट मार्केट कभी उस जोन में है जहां से मार्केट एक ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर एक टर्न अराउंड दोबारा नीचे की तरफ हो सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अभी मार्केट में हमें इसके ऊपर ही बाय करना है, अगर एक टर्न अराउंड आता है वो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा और आई विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी एंड उसके बाद एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी सबसे पहले। तो 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना एज यू कैन सी इट हियर मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड सजेस्ट करा था आज अपने टेलीग्राम पे कि यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला बहुत अच्छा आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड फॉल, एक पुल बैक रिजेक्शन, एक बियरिश कैंडल, इट्स अ राइट टाइम टू एंटर। यहाँ पर हम एंटर करने की कोशिश कर रहे थे बट आफ्टर दैट आवर स्टॉप लॉस गॉट हिट क्योंकि इसके ऊपर चला गया था एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रैली इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी रैली आई थी एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये तो हम मान के चल रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट डाटा में ये चेंज भी हमें शायद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट अब करना क्या, तो लेट्स ओपन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम एक चीज को ऑब्जर्व करें, हमें ये पता चल गया ये एक साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, इसके ऊपर डेफिनेटली गया, पॉज लिया और वहीं पर ये सस्टेन कर रहा है। रिमेंबर दैट दोबारा मार्केट में कॉल राइटर्स हैं, तो अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व जरूर करेंगे बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, अगर इसके ऊपर ही रहता है 35,600 के ऊपर तो हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है और हम अपने जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट हम बेसिकली ये मान के चल रहे हैं जो कि 35,920 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट डाटा की तरफ आते हैं एंड यहाँ पे ओपन करते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा।
निफ्टी पे अगर आप देखोगे ना, अभी भी कॉल चेंज 7.1 मिलियन है एंड पुट चेंज 5 मिलियन है. मतलब अभी भी कॉल राइटर्स आर एक्टिव मोर देन पुट राइटर्स. ये देखिए, हम ये चीज तो समझ गए. और 17,300 पे हेवी कॉल राइटर्स एंड 17,400 पे हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है. दैट मीन्स कि निफ्टी का ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग, और उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा पाए. ये सेंस हमें ओपन इंटरेस्ट पे भी देखने को मिल रहा है और चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो हमारे सबसे पीछे के लेवल्स पे हर जगह पे एक बेस बना हुआ है, विच इज अ गुड साइन. तो हमें देखना यही है कि कल मार्केट की ओपनिंग, मार्केट का 15 मिनट डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है. इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी को चेक करें तो बैंक निफ्टी में मेजर डिफरेंस है. कॉल राइटर्स आर 1.9 मिलियन एंड पुट राइटर्स आर 4.5 मिलियन, जो कि मेजर डिफरेंस है. यानी कि पुट राइटर्स ने बेस बना रखा है और एज कंपेयर टू चार्ट्स बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट भी अच्छा दे रखा है. तो यही सेम चीज है कि बैंक निफ्टी भी सस्टेन करना चाहिए निफ्टी के साथ, क्योंकि दोनों साथ में बढ़ेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग में अच्छी रैली आ सकती है, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी शायद हमें देखने को ना मिले. ठीक है, सो इसी वजह से मैं कल इंट्राडे ट्रेड्स जो है ना वो ज्यादा बढ़िया तरीके से मैं लाइव पे यहाँ सजेस्ट नहीं करने वाला, रादर देन मैं टेलीग्राम पे लाइव मार्केट पे सजेस्ट करूंगा अगर कोई बढ़िया इंट्राडे ट्रेड्स मुझे देखने को मिलते हैं, और वहां पर आपको वहां पर इंस्टेंट फायदा रिटर्न मिल सकता है. रादर देन मैं यहाँ पर बता दूं बुलिश के लिए और कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए भी ट्रेड करने. ठीक है, सो आप चलते हैं अपने 3 स्टॉक्स या 2 स्टॉक्स पे जो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके बेसिस पे इस एनालिसिस को एंड करते हैं. बट उससे पहली चीज, एफआईआई का डाटा. एफआईआई का डाटा पे अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स पे दैट लॉन्ग इट्स 1300 करोड़ का वो लॉन्ग आया है, जिसमें वो 3 दिन से पहले शॉर्ट कर रहे थे, अब लॉन्ग गए हैं. दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने पुट में एग्जिट करा है. ठीक है, पुट राइटिंग करी है, दैट मीन्स इसके अलावा उन्होंने कॉल्स के अंदर एंटर करी है पोजीशन, विच इज अ गुड साइन. आई थिंक यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है मार्केट के अंदर, और वो ऑब्जर्वेशन हमें शुरुआत के 15 मिनट पे ही देखने को मिल जाएगी. अब बात करते हैं एक बार अपने स्टॉक्स की एनालिसिस पे, एंड उसके बेसिस पे इस सेशन को डेफिनेटली एंड करते हैं. ओके, सो अब हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं. सबसे पहला स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है ना, वो है NMDC. NMDC शेयर मैंने आपको आज टेलीग्राम के अंदर भी रिकमेंड करा. स्टॉक ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं यार. हमने यूट्यूब पे पहले भी आपको बताया था कि इसके ऊपर जाएगा तो विल डेफिनेटली एंटर. वीक की स्टार्टिंग में इसने ब्रेकआउट दिया, दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग. अदरवाइज अगर वीक के मिड में ब्रेकआउट देता तो मैं वीकली क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पर ट्रेड लेता, बट स्टार्टिंग में दिया तो यह हम एक छोटा सा ट्रेड का रिस्क के साथ ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करोगे तो एक बहुत अच्छा ये लेवल था जहां से मेजर रेजिस्टेंस 2018 जनवरी पे आया था. After that, it gave a very good breakout. नीचे आया, यहाँ पर इसने एक head and shoulder pattern create करा, pause लिया. Pause कितना बड़ा था? Almost अगस्त, मतलब एक साल का इतना बड़ा इसने pause लिया. And after that, finally, यार अब ये ऊपर की तरफ breakout दिया है. Volumes अगर हम लोग check करें तो yes, volumes कुछ time से 20 exponential moving average के ऊपर है, तो I think ये breakout sustain definitely हो सकता है. अब यहाँ पर breakout हो गया है तो buy करने की opportunity आती है. अब stock trade कर रहा है 161.50 के आसपास, हम इस लेवल पे भी और इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं. 165 के अंदर अंदर बाय कर सकते हैं. टारगेट शुड बी अराउंड 185, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है, और अगर इसके ऊपर जाता है डेफिनेटली और टारगेट्स ओपन हो जाएंगे. वी कैन ट्रेल आर स्टॉप लॉसेस एज वेल, हमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और पोजिशन होल्ड कर सकते हैं. बट आर फर्स्ट टारगेट और द ओनली टारगेट शुड बी 185 के आसपास, एंड आप 161 से लेके 165 के बीच में कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐड करते रहना. ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि यार ये स्टॉक ऊपर जा भी रहा है या नहीं जा रहा. ये हो गया पहला स्टॉक. अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की. सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है अदानी पावर. मंथली चार्ट मैंने ओपन करा है एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्रेकआउट आया. यू कैन सी इट हियर कि 10 सितंबर 2010 पे इसने एक बहुत अच्छा इस लेवल से एक फॉल करा था. ऑलमोस्ट 143 से गिर के 17-15 रुपए आ गया था. आफ्टर दैट एक रिकवरी के बाद इसने दोबारा ट्राई करा था जून 2021, मतलब एक साल पहले इसने दोबारा ट्राई करा था ऊपर जाने की, बट एक दोबारा रिजेक्शन मिला और अब दोबारा ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स कि एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. अब ये जो ब्रेकआउट आया है पर्सनली थिंक सस्टेन कर सकता है. पहला टारगेट जो मैं मान के चल रहा हूँ, दैट शुड बी आर लाइफ टाइम हाई, जो कि 166 रुपीज का है. जैसे ही अचीव होगा आई एम गोना ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू 145 रुपीज, जिस लेवल पे भी हम बाय करेंगे, एंड उसके ऊपर फिर हम लोग ट्रेल करते रहेंगे. आई थिंक ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आने वाले टाइम पे दे सकता है. सो आर फोकस शुड शिफ्ट ऑन अदानी पावर एंड NMDC. अब थर्ड स्टॉक की बात करते हैं. सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है सागर सीमेंट. सागर सीमेंट का सिंबल आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है,
आज इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, मेरी वॉच लिस्ट में था, बट ये कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे आता रहा, तो अब मैंने आपको सजेस्ट नहीं करा। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे चैनल, एक बहुत अच्छे प्राइसिंग वेज के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी मूवमेंट बॉटम लेवल से देने के बाद ना, इट क्रिएटेड अ वेरी वेरी गुड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हम लोग आज देख सकते थे, बट वो आया नहीं। इसके अलावा अगर मैं बॉटम लेवल से एक फिबोनाची क्रिएट करता हूँ तो क्लियरली देख सकते हैं कि 61% पे इसने हॉल्ट करा और वहां से ऊपर रैली दिया है। अब देखिएगा अगर आप लोग, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है दैट इज अराउंड 268 रुपीज के आसपास का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर ये दोबारा कल निकलना स्टार्ट होता ना, वी विल एंटर, बिकॉज एक बहुत अच्छी रैली आने के बाद आई थिंक डेफिनेटली कि यार यहाँ पर एक छोटा बहुत सेलिंग प्रेशर आया होगा, बट अगर एक्चुअल में यहाँ पर ब्रेकआउट आना है ना तो वो कल के दिन आ जाएगा। वो कल के दिन हम लोग इस लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और हमारे बहुत ज्यादा ही बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। मतलब मान के चलो पहला टारगेट जो मैं एग्जामिन करके चला वो 310 का है और दूसरा टारगेट 350 रुपए का, अभी ट्रेड कर रहा है 250 रुपए के आसपास, तो बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। बट हमें वेट करना है फॉर दिस लेवल टू क्रॉस अबव दिस और वहां पर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सेम चीज रिजेक्शन फेस करा, इसी लेवल के नीचे आ गया, मैं इसको शिफ्ट करके और नीचे कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर 15 मिनट की कैंडल भी ना अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, हम लोग एंट्री वहां पर ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे तीन स्टॉक्स हैं और मुझको लगता है कि डेफिनेटली ये आने वाले दो हफ्तों के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। सो हम लोगों ने गाइस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओपन इंटरेस्ट डाटा, एफआईआर डाटा, स्टॉक्स सभी बात कर ली है। इसके बारे में और नॉलेज चाहिए ना तो आप लाइव हमारे टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट ओपन होती है बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, शायद इसके अंदर कल एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो वहां पर हम आपको बता सकते हैं कि वहां पर आप कुछ ट्रेड ले सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस क्रिप्टोस पे ट्रेड करने के लिए ड्यू अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर ला सकते हो। इस टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो मैं ले रहा हूँ वही आपके साथ शेयर करे जाएंगे एंड डेफिनेटली ऑल विल बी गुड। सो ओके गाइस, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, आई विल सी यू सून टुमारो ऑन द लाइव सेशन ऑन टेलीग्राम एज वेल एज कल वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।